नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही जो साइड में बेल आइकन भी आपको दिखाई दे रहा है उस पर भी आप क्लिक कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में कि मिथुन राशि वालों की जो वार्षिक कुंडली कैसी रहेगी, आने वाला समय साल कैसा रहेगा उनका। सन 2021 जो शुरू होने वाला है, तो मिथुन राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा, क्योंकि अभी तक जैसे इनका उतार चढ़ाव से गुजरी, तो अब आगे इनका समय अच्छा रहेगा या ख़राब, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, जो मिथुन राशि वाले हैं, आपकी बार आपके लिए कुछ काम आपके बन जाएंगे, कुछ समय आपके लिए अच्छा है। यदि आप आपकी बार विदेश यात्रा में जाने की सोच रहे हैं, तो विदेश यात्रा के अवसर आपको इस बार जरूर प्राप्त हो गए, और वहाँ पर आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। हो सकता है वहाँ पे जॉब से संबंधित कोई कार्य यदि आपका अभी तक नहीं बन पा रहा था, तो वो अब की बार हो जाएगा। विदेश में सेटलमेंट होने के भी आपके चांस अब की बार बन गए हैं। तो 2021 जो है आपकी विदेश यात्रा के लिए बहुत ही उत्तम समय है, क्योंकि कई लोग जो है अपने विदेश जाने की सोच रहे थे कि विदेश में इसका कारोबार कैसा होगा, या कोई नौकरी करते हैं जॉब से संबंधित, तो विदेश में जाने के इन्हें अवसर प्राप्त हो गए। तो बहुत ही अच्छा समय इनका रहेगा और आना जाना इनका लगा रहेगा। यदि ये वहाँ सेटलमेंट होना चाहते हैं, तो वहाँ भी सेटलमेंट होने के पूरे इनके चांस बन रहे हैं। हालांकि शत्रु आपको तंग जरूर करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपको थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कुछ आपके शत्रु जो है गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आपको इस दौरान सावधानी पूर्वक कार्य हाथ लेना होगा, अपने थोड़े सावधानी बरतें और शत्रु सावधान रहें। मगर इस दौरान आप कोई कर्जा ना लें, क्योंकि इस साल इस वर्ष अगर आप कर्जा लेते हैं, तो आपको कर्जा उतारने में बड़ी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि आपका कर्जा ना उतर पाए, तो इस वजह से ऐसा कोई कर्जा ना लें आप। और कोई बीमारी भी आपको हो सकता है परेशान करें, तो इसलिए आपको थोड़ा पहले से ही सावधान रहना होगा, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि आपको कोई बीमारी घेर सकती है, जिससे आप काफ़ी कष्ट में आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है बुध देव के मंत्र की जाप कर सकते हैं, बुध देव की पूजा भी कर सकते हैं, जिससे आपको जो है सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते रहे। और कुछ चोट आपको लग सकती है, हो सकता है इस बार, क्योंकि आपके एक्सीडेंट का भी योग बना हुआ है, चोट लगने के आसार आपको नज़र आ रहे हैं कि आपको कोई राह चलते चोट लग जाए। तो इसलिए यदि इस समय आप गाड़ी चला रहे हैं, तो थोड़ा अपना ध्यान रखें, गाड़ी चलाते समय भी आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। हालांकि धन संबंधी मामलों में आपको सफलता मिलने बिल्कुल तेज लग रही है, क्योंकि धन से जुड़ा हुआ कोई यदि आप कार्य कर रहे हैं, परिवार में या आपको खुशहाली का माहौल बना रहेगा, और आपके कार्य में जो उन्नति बनी रहेगी। इस बार जो आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, वे आपके सफल हो गए। पिता से भी आपको लाभ होने की आशंका नज़र आ रही है, और धन संबंधी जो मामले हैं उनमें आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि इस साल जो 2020 का साल था, इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो मिथुन राशि वालों के लिए जो आने वाला साल है, ये बहुत उत्तम रहेगा। तो जो आपके अभी तक कार्य रुके हुए थे, पेंडिंग थे, वो अब की बार सफलतापूर्वक हो जाएंगे, इसी कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और मैंने आपको बताया भी है कि विदेश में जाने के भी आपके अब की बार चांस बन रहे हैं, तो हो सकता है कि यहीं पर आपको और भी अच्छा आपका काम हो जाए, अपने कंट्री से बाहर दूसरी कंट्री में आपको चांस मिलेंगे। इस दौरान आपको जो है नए भूमि भवन या कोई वाहन आप परचेस कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। कोई वाहन यदि आप खरीदना चाह रहे हैं, या कोई ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ कहीं आपका मामला है अटका हुआ, तो वो भी इस बार पूरा होगा। तो अब की बार जो है आपके ही समय अनुकूल रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए। हालांकि जैसे मैंने बताया कि कर्जा बिल्कुल ना ले, आपकी कर्जा अगर ले लेते हैं तो दिक्कत आपको करेगा, उतार नहीं पाएंगे आप, और इस तरह से परेशानी आपके लिए खड़ी हो जाएगी, और चोट के भी थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, क्योंकि आपके एक्सीडेंट का खतरा भी बना हुआ है। तो थोड़ा गाड़ी को सावधानी पूर्वक चलाएं, तो इसलिए ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। और जो जिस क्षेत्र में आपने पढ़ाई की है, उससे जुड़े हुए मामलों में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि अभी तक जैसे जिस क्षेत्र में आपने पढ़ाई की थी, उससे संबंधित आपको सफलता नहीं मिल पाई थी, तो पिछले साल आपको दिक्कत हुई थी। लेकिन ये जो 2021 का नया वर्ष आपके लिए है, इसमें आपको शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जिस क्षेत्र में आपने पढ़ाई की है, उसी से आपको कोई ना कोई जॉब आपकी अब की बार सेटल हो जाएगी। यदि कोई व्यापार इस दौरान आप करना चाह रहे हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है,
क्योंकि आपके करियर में जो है थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन जो नौकरी के लिए तो बहुत अच्छा समय है ये, लेकिन व्यापार में थोड़ी बहुत दिक्कत आपको आ सकती है, तो इसलिए व्यापार में थोड़ा सा धैर्य आपको बनाए रखना होगा, क्योंकि व्यापार से जुड़े मामले में आपको थोड़ी सी हानि उठानी पड़ सकती है। तो इसलिए व्यापार में अभी आप जल्दबाजी ना करें, नौकरी पे ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज आप लोगों ने जाना मिथुन राशि वालों का वार्षिक राशिफल 2021 का कैसा रहेगा। हमारी और वीडियो आगे भी ऐसी आती रहेगी, आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसको शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी इससे जानकारी ले सकें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको